मोकामा नगर परिषद द्वारा गहरे नाली की हो रही सफाई। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। मोकामा नगर परिषद द्वारा पिछले कई महीनों से क्षेत्र के नालों की गहरे से सफाई की जा रही है। इसी क्रम में आज मोकामा के तेराहा बाजार में नालियों की सफाई हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहली बार इतनी गहरे और कुशलता से नालियों की सफाई की जा रही है। पहले कभी सफाई होती भी थी तो सिर्फ खाना पूर्ति। क्षेत्र के नालों की सफाई के लिए मोकामा नगर परिषद का प्रयास सराहनीय है। पिछले कई महीनों में उन्होंने शहर की स्वच्छता और समग्र स्वच्छता में सुधार के लिए समर्पित प्रतिबद्धता दिखाई है। आज नगर परिषद द्वारा तेराहा बाजार में नालियों की सफाई की गई, जो स्थानीय निवासियों के लिए एक स्वस्थ और अधिक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय लोग इस पहल पर अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहे थे और बता रहे थे कि पहली बार है कि इतनी गहन और कुशल सफाई हुई है। अतीत में कोई सफाई गतिविधियां मुख्य रूप से बंद नालियों और खराब जल निकासी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही थी। नालों की गहन सफाई को प्राथमिकता देकर नगर परिषद लंबे समय से चली आ रही उस समस्या से निपटना चाहती है जिसने मोकामा को वर्षों से परेशान कर रखा है। जाम नालियां न केवल दुर्गंध और अस्वच्छता की स्थिति पैदा करती है बल्कि निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करती है। इस मुद्दे को सीधे संबोधित करके नगर परिषद सुधार की दिशा में सक्रिय दृष्टिकोण अपना रही है। आज सफाई कर्मियों का मनोबल बढ़ाने नगर सेवक नीलेश कुमार भी तेराहा बाजार पहुंचे थे। उन्होंने सफाई कर्मियों का कुशलक्षेम पूछा, सफाई कर्मियों के लिए उपलब्ध फर्स्ट एड किट की जांच की, सभी तरह की आवश्यक दवाइयां मलहम पट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई ताकि सफाई कर्मी किसी भी परिस्थिति में परेशान ना हो। मोकामा नगर सेवक नीलेश कुमार ने शहर को साफ रखने के लिए उनके अथक प्रयास करने वाले सफाई कर्मियों को स्वीकार करने और उनका समर्थन करने के महत्व को समझा। उनका मानना था कि नगर परिषद के सफाई कर्मियों के मनोबल ने निवासियों के लिए स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ही मोकामा सभापति नीलेश कुमार तेराहा बाजार पहुंचे, जो कि एक बहुत ही हलचल भरा इलाका है जो अपनी जीवंत दुकानों और भारी भीड़ के लिए जाना जाता है, नीलेश कुमार ने सभी सफाई कर्मियों से व्यक्तिगत रूप से मिलना और प्रत्येक स्वच्छता कार्यकर्ता की भलाई के बारे में उनसे पूछताछ की। उन्होंने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना, यह सुनिश्चित किया कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके प्रयासों की सराहना की जाए। यह महसूस किया कि उनके कठिन कार्य के दौरान दुर्घटनाएं या चोटें हो सकती है। नीलेश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्राथमिक किट का निरीक्षण किया। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आपातकालीन स्थिति में उन्हें सभी आवश्यक दवाएं और पट्टियां उपलब्ध हों। यह मानते हुए कि ऐसी स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता महत्वपूर्ण है, उन्होंने नियमित जाँच और आपूर्ति की पुनः पूर्ति पर जोर दिया। मोकामा नगर परिषद के सफाई मित्र पिछले कई महीने से नाली सफाई में जुटे हुए हैं। मोकामा के मुख्य नालियों की साफ सफाई की जा रही है, जहां बाकी है वहां भी सफाई मित्र नाली उड़ाही में लगे हुए हैं। मोकामा में इस बार जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उनके कर्ता धरता हैं मोकामा नगर परिषद के नगर कर्मी विजय नारायण सिंह। यह उनके अथक मेहनत का ही नतीजा है कि मोकामा स्वच्छता के उच्चतम शिखर पर है। मोकामा नगर परिषद के सफाई मित्रों के द्वारा नालों की सफाई के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता से उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। मोकामा की मुख्य नालियां मलबे और रुकावटों से मुक्त हैं, जिससे सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हो पा रहा है और भारी बारिश में भी जल जमाव की रोकथाम हो सकती है। हालांकि सफाई मित्रों का काम यही नहीं रुका है, वे मोकामा के निवासियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए लगातार कमर कसे हुए हैं। मोकामा में वर्तमान स्वच्छता अभियान का नेतृत्व नगर परिषद के समर्पित नगर कर्मी विजय नारायण सिंह कर रहे हैं। विजय सिंह के नेतृत्व में मोकामा नगर परिषद साफ सफाई के अपने प्रयासों में सफल रहा है। मोकामा नगर परिषद के हर कोने में उनका ध्यान बराबर रूप से है। उनके सामूहिक परिश्रम की बदौलत मोकामा स्वच्छता के मामले में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। एक समय भीड़ भाड़ वाली और प्रदूषित नालियां अब साफ सुथरे नालियों में तब्दील हो गई है, लोग हंसते खेलते देखे जा रहे हैं। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।